का हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड प्रॉब्लम. इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉब्लम्स दिए हैं, सभी हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन. क्या दिया है? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये पूछा है. तो देखो कैसे पहचानना. तो पहला हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन. बेटा देखो क्या दिया है हमें, ये दिया है 3x + 2y = 5 से इक्वेशन 1, और ये है 2x - 3y = 7 इक्वेशन 2. ओके अच्छा, तो अभी हमारे पास इक्वेशन ये ऐसा होता है ax + by = जैसे c, दो है तो ये ax + by = c, दो इक्वेशन है इसलिए ये a1 a2 b1 b2 c1 c2. ओके हाँ, तो फिर बताओ मुझे x का कोएफिशिएंट ये हो गया a1 3, y का कोएफिशिएंट ये b1 2, ये c1 5, यहाँ x का कोएफिशिएंट a2 2, y का कोएफिशिएंट b2 -3, और ये कांस्टेंट c2 कितना 7. ओके चल, तो फिर अभी मुझे बताओ a1 by a2, तो देयरफॉर ये बताओ a1 by a2, हाँ a1 by a2 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 3 by 2. ओके और फिर b1 by b2 बताओ, तो b1 है 2 और b2 है -3. हाँ तो ये माइनस जो डिनोमिनेटर में है वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो -2/3. ओके और c1 by c2 बताओ, c1 by c2 है 5/7. ओके तो पहले यहाँ देखो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये चेक करने के लिए. तो पहला वाला a1 by a2, दूसरा वाला b1 by b2. ओके तो अगर पहला और दूसरा इक्वल नहीं है, पहला और दूसरा इक्वल नहीं है, मतलब 100% समझ लेना कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है. क्या है? कंसिस्टेंट है. और इनकंसिस्टेंट कब? अगर ये देखो अभी यहां क्या हुआ, a1 by a2 और b1 by b2 ये इक्वल है क्या? नहीं है. चलो पहले लिख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी. देयरफॉर ये a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना. a1 by a2 ये पहला और b1 by b2 ये दूसरा, इक्वल दिख रहे है क्या? नहीं. इसकी वैल्यू 3/2 है, इसकी वैल्यू -2/3 है, तो ये इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है मतलब समझ लेना कि ये दो इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट. तो देयरफॉर द गिवन, ये जो लाइन्स हमें दी है ना, ये पहली और दूसरी दो लाइन्स दी है, तो द गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट. गिवन लाइन्स क्या? कंसिस्टेंट. अब इनकंसिस्टेंट कब रहती है ये हम देखेंगे. देखो कंसिस्टेंट कब रहती है, बरोबर समझिए. ये a1 by a2 पहला, b1 by b2 दूसरा, और c1 by c2 तीसरा. अगर ये तीनों के तीनों सेम रहे, इक्वल रहे, तो भी कंसिस्टेंट रहती है. या पहला और दूसरा जो है वो इक्वल नहीं रहे तो भी कंसिस्टेंट रहता है. और इनकंसिस्टेंट कब रहता है, अभी हम सामने के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. तो अभी हम दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं. चलो फिर सेकंड प्रॉब्लम पे. तो इसको हमने इरेज कर दिया. ओके हाँ, तो अभी सेकंड वाला देखो. फिर सेकंड क्या है, तो ये है 2x -3y = 8,
और ये है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अच्छा, तो ये x का कोएफिशिएंट यानी a1 इक्वल टू 2, y का कोएफिशिएंट b1 इक्वल टू माइनस 3 और ये कांस्टेंट c1 यानी 8, और यहाँ x का कोएफिशिएंट a2 यानी 4, y का कोएफिशिएंट b2 यानी माइनस 6 और ये कांस्टेंट c2 यानी 9। तो फिर देयरफॉर बताओ फिर a1 बाय a2, तो ये हो गया a1 यानी 2 और a2 यानी 4। यहाँ डिवीजन जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 आ गया। अब b1 बाय b2, ओके, तो b1 है माइनस 3 और b2 है माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल, तो ये 3/6। अभी डिवीजन जाता है 3 1 3 3 2 6 यानी 1/2। और ये देखो c1 बाय c2 इक्वल टू ये 8/9। अब इसमें क्या हुआ ज़रा ध्यान दीजिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ ये पहला वाला a1 बाय a2 ये भी 1/2 है, दूसरा वाला b1 बाय b2 ये भी 1/2 है, यानी कैसे है सेम। तो देयरफॉर हाँ ये a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। लेकिन c1 बाय c2 ये देखिए 8/9 है, ये ऐसा 1/2 है क्या? नहीं है। तो ये इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब पहला वाला a1 बाय a2 और दूसरा वाला b1 बाय b2 ये तो इक्वल है, लेकिन c1 बाय c2 ये इक्वल नहीं है। तो अगर पहला और दूसरा इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये जो दो लाइन्स हमें दी जाती है वो इनकंसिस्टेंट रहती है। तो यहाँ द गिवन लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो पहले केस में क्या थे? कंसिस्टेंट। क्यों थे? क्योंकि उसमें a1 बाय a2 पहला और b1 बाय b2 दूसरा इक्वल नहीं थे, इसलिए कंसिस्टेंट। अभी यह पहला और दूसरा इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट। हाँ, अब आइए तीसरे थर्ड के ऊपर। चल बेटा, अभी ये है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। चलिए लिखते हैं फिर। तो ये थर्ड, तो ये 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और ये 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ओके, यस। तो अब यहाँ ये देखो x का कोएफिशिएंट पहला, तो ये हो गया बेटा a1, ये 3/2। y का कोएफिशिएंट ये b1 5/3 और ये कांस्टेंट c1 7। फिर ये वाला x का कोएफिशिएंट a2 9, y का कोएफिशिएंट b2 माइनस 10 और ये 14 c2। ओके, तो देयरफॉर फिर बताओ यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो मुझे a1 बाय a2 बताओ, a1 बाय a2 क्या मिलेगा फिर? तो बोलेंगे सर a1 बाय a2, तो a1 है 3/2, ओके, और a2 है 9, तो इंटू 9, ये डिवीजन में लिख लिया हमने ऑलरेडी 9। हाँ, तो कितना आएगा मुझे बताओ? ये 3 1 3 और 3 3 9, तो यहाँ तो 1 आया, ये 2 और 3 1 3 3 3 9, तो ये 1 2 3 6, ये आ गया बेटा a1 बाय a2। अब b1 बाय b2 बताओ मुझे, b1 बाय b2, तो ये b1 बाय b2, ओके, तो b1 है ये 5/3 और b2 है इंटू ये माइनस 10, है ना, डिवीजन में ऑलरेडी लिख लिए हमने। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, देखो 5 1 5 5 2 10, तो ये क्या है बेटा? अच्छा, ये माइनस है ना, ये मैंने बोला आप अब दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऊपर ये कुछ भी नहीं है, 1, तो ये 3 और ये 2 है ना, 5 1 2 5 1 5 5 2 10,
तो ये आ गया बेटा माइनस वन बाय सिक्स। तो ये थे बेटा वन बाय सिक्स, ओके, ये माइनस वन बाय सिक्स, ओके। और इसके बाद ये सी वन बाय सी टू, तो यहाँ लिखेंगे हम सी वन बाय सी टू। तो सी वन है सेवन और सी टू है फोर्टीन, ओके। तो यहाँ भी सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा ट्वेल्व, तो ये आ गया बेटा वन बाय टू। अब मुझे यहाँ बताइए, ए वन बाय ए टू है वन बाय सिक्स पहला, बी वन बाय बी टू है माइनस वन बाय सिक्स दूसरा, सेम है क्या? नहीं है। तो फिर देयर फोर ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू। तो मैंने तो आपको बताया बेटा पहले ही प्रॉब्लम में कि अगर ये पहला वाला ए वन बाय ए टू और दूसरा वाला बी वन बाय बी टू अगर ये इक्वल नहीं है तो ये दी हुई लाइन्स कंसिस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कंसिस्टेंट। तो हो गया, देयर फोर द गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट, कंप्लीटेड थर्ड वाला। अब हम फोर्थ देखेंगे। तो फोर्थ वन, हाँ तो फोर्थ वाला बताइए क्या है? तो ये है फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एलेवन, सेवन इक्वेशन, और ये माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू, सेकेंड इक्वेशन। तो मुझे फिर से बताइए कि यहाँ पे ये ए वन कितना? फाइव, ये बी वन माइनस थ्री और सी वन इलेवन, यहाँ पे ए टू माइनस टेन, बी टू सिक्स और सी टू माइनस ट्वेंटी टू, ओके। सो भाई ए वन बाय ए टू बताओ फिर, देयर फोर ए वन बाय ए टू, हाँ क्या आता है ए वन बाय ए टू? तो आप बोलेंगे सर ए वन है फाइव और ए टू है माइनस टेन, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, तो ये वन और ये माइनस टू, ये माइनस आप अब दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आ गया माइनस वन बाई टू, अच्छा ये हो गया। अब बी वन बाय बी टू बताओ, बी वन बाय बी टू, तो बी वन है माइनस थ्री और बी टू है सिक्स, ये माइनस वैसे ही, और या थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो वन बाई टू, माइनस वन बाई टू आ गया ये भी। और सी वन बाय सी टू बताओ, ये देखो सी वन बाय सी टू, तो सी वन है इलेवन और सी टू है माइनस ट्वेंटी टू, तो यहाँ भी डिवीजन जाता है एलेवन वन ज़ा एलेवन, एलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू, तो ये वन बाय माइनस टू, ये माइनस आप अब दे सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब यहाँ क्या हुआ बताओ, ए वन बाय ए टू की भी वैल्यू माइनस वन बाय टू, बी वन बाय बी टू की भी वैल्यू माइनस वन बाय टू, और सी वन बाय सी टू की भी वैल्यू माइनस वन बाय टू, तीनों सेम हैं, तीनों सेम हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर फोर ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, तीनों सेम रहे तब भी दी हुई लाइन से कंसिस्टेंट रहती है। तो यही कंसिस्टेंट हम लिखेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सेम रहे तब भी कंसिस्टेंट, और मैंने बताया आपको पहला और दूसरा सेम नहीं रहे तब भी कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट कब बताया? कि पहला और दूसरा सेम है लेकिन तीसरा सेम नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो ये हमने फोर्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। अभी हम फिफ्थ पे आते हैं, चलिए फिफ्थ पे आइए। तो फिफ्थ वन, ये क्या है बताओ, फोर बाय थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट से इक्वेशन वन, और ये
2x प्लस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन 2। ओके ठीक है, तो मुझे फिर से बताइए, फिर ये x का कोएफिशिएंट a1, तो a1 कितना 4/3, ये b1 कितना 2 और c1 8। या x का कोएफिशिएंट a2 2, ये b2 3 और ये c2 12। हाँ यस, तो चलो फिर मुझे बताइए फिर, देयरफॉर हाँ a1 by a2, बताओ a1 by a2, तो a1 है 4/3 और ये a2 है 2, तो ये इंटू 2 डिवीजन में है ऑलरेडी, तो ये डिवीजन जाएगा, तो 2 1 2, 2 2 4 है ना, तो ये 2 और ये 3, ये हो गया। फिर b1 by b2 बताइए, b1 by b2, तो b1 है 2, b2 है 3, ये हो गया। और c1 by c2 बताओ, c1 by c2, तो c1 है 8 और c2 है 12। यहाँ भी डिवीजन जाता है, देखो 4 2 8, 4 3 12 है ना, लिख लेता हूँ, 8 यानी 4 2 और ये 12 यानी 4 3 तो 4 4 कैंसल, तो ये आ गया 2/3। अब यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है कि a1 by a2 की भी वैल्यू 2/3, b1 by b2 की भी वैल्यू 2/3 और c1 by c2 की भी वैल्यू 2/3, तीनों सेम है, देयरफॉर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। और मैंने बताया आपको पिछले प्रॉब्लम में, अगर तीनों इक्वल रहे तब भी क्या रहता है, कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर ये जो दोनों लाइंस है, तो गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, तो ये बेटा हमने पूरे पांचों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ओके बेटा, यस।